नमस्कार, बिहार इंसॉर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। डाक बंगला चौराहा पे अभी मौजूद है, जहां पर बीजेपी के विधानसभा मार्च को देखिए तस्वीर में, जिस तरीके से तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस बल हैं, जो तैनात हैं यहां पे और जाने नहीं दिया जा रहा है। इस तरफ बीजेपी के कई जो लोग हैं मजबूरन उनको पीट कर पीछे फिर से भेज दिया गया है। और एक तस्वीर में आप जिस तरीके से देख रहे होंगे, एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उनको भी पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया और उसके बाद जबरन वहां से पीछे कर दिया गया है। देखिए जिस तरीके से तैनाती बल जो है लगातार सुरक्षा कर्मी के बीच में अब डाक बंगला चौराहे पे लगातार जो है आक्रोश में है और कई जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा मार्च करने जा रहे थे पैदल, उनको रोका जा रहा है। और उस तरफ देखिए पुलिस सुरक्षा कर्मी जो हैं सभी दुकान को बंद करवा दिए और किसी को भी अब आने जाने नहीं दिया जा रहा है। हम चाहेंगे एक तरफ एक बार आप दिखाएं जिस तरीके से जो लोग यहाँ पे हैं, और देखिए उस तरफ जो पुलिस है, तस्वीर में भी आप देख रहे होंगे कि जो है एक बीजेपी के कार्यकर्ता को पीटा गया, उसके बाद जबरन भगाया गया। और कई जो पुलिस हैं, हम चाहेंगे जो तस्वीर थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, और जिस तरीके से लगातार जो है सुरक्षा कर्मी बैरिकेड लगाकर यहां पर तैनात हैं और जो लोग भी यहां से गुजर रहे हैं उनको देखिए ले जाया नहीं जाया जा रहा है। और इसके बाद पुलिस की तैनाती लगातार अब डाक बंगला चौराहे पे है और इस तरफ जितने भी लोग हैं उनमें आक्रोश है। और उस तरफ देखिए पुलिस जो है जबरन लाठी भी चला रही है कई लोग पे और जाने के लिए मना कर रही है। और जिस तरीके से विधानसभा मार्च का घेराव करने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके लाखों संख्या में कार्यकर्ता निकले, हालांकि कुछ लोग जो है उस बैरिकेडिंग के उस पार हैं और कुछ लोग जो इधर हैं, और कई दुकानों को भी बंद किया जा रहा है। उस तरफ देखिए पुलिस के द्वारा लाठी भी चलाया जा रहा है और जबरन जो है भगाया जा रहा है और लाठी जो है चार्ज किया जा रहा है। देखिए तस्वीर में कैसे पुलिस बल जो है भगा रहे हैं यहाँ से जितने भी जो लोग हैं और पीट पीट कर यहाँ पे जो दुकान उकान है उनको भी बंद करवाया जा रहा है और किसी को भी अब यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दे रहे जो नीतीश की मौजूदा सरकार है महागठबंधन में। और देखिए उस तरफ लगातार जो है आक्रोश में यहाँ पे पुलिस भी हैं, पुलिस बल जो सुरक्षा कर्मी है वो भी आक्रोश, क्योंकि उन्हें भी टाइट जो है ड्यूटी मिला है। और एक तरफ जो भी आम जन है उनको भी इधर अब जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। और देखिए करीबन पिछले आधे घंटे से जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं उनसे हम जुड़ने का कोशिश करेंगे, आखिर आप लोग को जाया नहीं मिल रहा है, आप लोग घेराव करने जा रहे थे विधानसभा का, क्यों रोका जा रहा है? रोका जा रहा है, भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट सरकार में उचित काम नहीं होने देगा, ये सिर्फ नाजायज ही करता है और नाजायज काम ही होने देगा, ये उचित काम नहीं होने देगा, भ्रष्ट सरकार है, महाभ्रष्टाचारी है, महापलटू सरकार है, दल बदल सरकार है, कुछ इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसको बिहार की जनता कुर्सी पे बैठा कर रखा है, वो भी भाजपा को लेकर बैठा जाता है इसको, और ये दल बदल करके जबकि 40 सीट इनके पास मात्र है और ये कुर्सी पर राज कर रहा है और बिहार को जंगल राज बना के रखा है। हम तमाम बिहार के जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कमल छाप को पूर्ण बहुमत देके 2025 में पूर्ण नीतीश की पुलिस अधिकारी तो आप लोग को रोक रही है यहीं पर, बिल्कुल हम लोग को रोके, हम लोगों पर बिल्कुल लाठी चार्ज किया गया और आंसू गैस भी छोड़ा गया, पर हम भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा कार्यकर्ता एक संस्कारित कार्यकर्ता होता है, हम लोग शिष्टाचार डिसिप्लिन और कानून के साथ चलने वाले हैं। इस वजह से हम लोग जिस तरह से प्रशासन का हम लोगों पर अटैक हुआ, हम लोग अपना सावधानी पूर्वक साइड में खड़े हैं, नहीं नहीं जाने देंगे तो क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि रोका जा रहा है आप लोग को। तो देखिए हम लोग तो एक वंदे मातरम भारत माता की जय करके एक बार प्रयास करेंगे कि हम जाएं, अगर पुलिस का प्रशासन लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है तो ये हत्या करे, लेकिन हम ये लोकतंत्र में जब जनता जग जाती है तो ये पुलिस कुछ काम नहीं कर सकता, इनका राजतंत्र अपना रहे अपने जगह पर, लेकिन लोकतंत्र की जीत होगी और बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ अब हो गई है। लाठी चार्ज हो रहा है, आप लोग कब तक रहिएगा इसे सारा? हम लोग रहेंगे 4 बजे तक, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग भाजपा के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, कब तक रहिएगा आखिर? एकदम अंततः रहेंगे,
देखते हैं जो कितना देर रोकता है, लेकिन हम लोग शांति प्रिय ढंग से रहेंगे। अब बिहार की जनता बिल्कुल परास्त हो चुकी है, अब बिहार की जनता बिल्कुल परास्त हो चुकी है, इस वजह से अब लोकतंत्र को लेके और हम लोगों को सड़क पे उतरना ही पड़ेगा और सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, इस पलटू सरकार के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी, हर मुद्दे पे उठानी पड़ेगी। जिस तरह से बिहार की जनता को त्रमाम कर रहा है, मजबूर हो के आखिर फिर जाइएगा ना, जाएंगे, प्रयास करेंगे, आए हैं हम लोग बिल्कुल विधानसभा तक जाने के लिए, पर प्रशासन द्वारा हम लोगों पे लाठी चार्ज किया गया है, इसी वजह से हम लोग अभी लाठी खा के भी जाइएगा आगे। बिल्कुल जाएंगे हम लोग, हम लोग आगे जाएंगे, बताएंगे प्रशासन को कि बिहार, बिहार में जो गुंडागर्दी का राज क्या है ना, बिहार में भारत में है ना, ये पाकिस्तान नहीं है, इसका गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, बिल्कुल जंगल राज नहीं चलेगा। देखिए जिस तरीके से आक्रोश में है और डाक बंगला चौराहे पे रोका जा रहा है पुलिस कर्मियों के द्वारा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है नीतीश कुमार की वो बिल्कुल जो है नाकामी की सरकार है और हम लोग पिटाई खाने के बावजूद भी जो है विधानसभा का घेराव करेंगे और एक तरफ जो है लगातार बैरिकेडिंग करके जो पुलिस कर्मी है यहाँ पे तैनात हैं और डटे हुए हैं और कई लोग पे जो है लाठी भी बरसाई गई, आपको विजुअल में भी हम दिखाए होंगे। उसके बाद जो है तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आक्रोश में हैं और लगातार जो है अपने पोस्टर्स बैनर के साथ जो है वो विरोध कर रहे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है और अब तस्वीर आपके सामने है और एक तरफ पुलिस प्रशासन की जो तमाम टीम है वो एक तरफ मौजूद है और विधानसभा जाने के लिए बोल रहे हैं पिटाई और लाठी खाने के बाद भी भाजपा के कार्यकर्ता जो कह रहे हैं संस्कारी है लेकिन फिर भी विधानसभा जाओगे। अब देखना ये होगा जिस तरीके से देखिए पुलिस प्रशासन की टीम जो है फिर से दोहरा रही है और पीटा भी जा रहा है लगातार, प्रशासन जो है उस जो है कार्यकर्ता पे लाठी बरसा रही है और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता जो है भाग रहे हैं और इधर इस तरफ देखिए कमांडो की जो टीम है वो उतर गए हैं बैरिकेडिंग के बाहर, बार बार भी यहां पर निकल रहे हैं और बार जब जब भी कोशिश किया जा रहा है इस बैरिकेडिंग को पार करने के लिए तो लाठी चार्ज करने उतर जा रहे हैं और कार्यकर्ता को वहीं पर रोका जा रहा है उस तरफ देखिए और लगातार जो है टीम उस पर मुस्तैदी से काम भी कर रही है। अब देखना होगा जिस तरीके से जो डाक बंगला चौराहे पे जो स्थिति बनी हुई है कब तक ये तनावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी और कब तक जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं हजारों की संख्या लाखों की संख्या में वो अब यहाँ पर डटे रहेंगे और लगातार प्रयास में है कि कैसे जाएं। और देखिए बात किया जा रहा है और यहाँ से जाने के लिए तस्वीर में देखिए और इसके बाद यहाँ से फिर बात जो है तैनाती करने के बाद पुलिस की प्रशासन की जो टीम है एनडीआरएफ जितने भी टीम है सीआरपी वो अब यहाँ पे तैनात है और लगातार जो है विरोध किया जा रहा है उस तरफ कई लोगों को पीटा भी जा रहा है और तस्वीर लगातार आपको हम पल पल की दिखाते रहेंगे और क्या कुछ होगा वो आपको बताते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।